इस हफ्ते रिलीज हुई पैन इंडिया मूवी दसरा ने तो बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती 5 दिनों में अपने बजट से कहीं ज्यादा कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग हासिल कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अजय देवगन की मूवी भोला, जिसका बजट 100 करोड़ रुपए था, क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाए या फिर नहीं, यही आज हम जानने वाले हैं। हम आज इस वीडियो में साथ ही भोला और दसरा के शुरुआती 5 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी। अगर बात करें मूवी दसरा के बारे में, जिस मूवी में नानी और कीर्ति सुरेश लीड रोल में है, इस मूवी का बजट है 65 करोड़ रुपए और इस मूवी को दुनिया भर में 2800 स्क्रीन पर रिलीज किया है। यह मूवी वैसे तो एक तेलुगु मूवी है, लेकिन तेलुगु के अलावा मूवी तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में भी रिलीज हुई है। दसरा मूवी ने हिंदी मार्केट में पहले दिन 52 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 43 लाख रुपए का, तीसरे दिन 65 लाख रुपए का, तो चौथे दिन 90 लाख रुपए का, वहीं 5वें दिन इस मूवी ने हिंदी मार्केट से लगभग 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। यानी कि दसरा का 5 दिनों में हिंदी में नेट कलेक्शन है 2 करोड़ 80 लाख रुपए, जो कि एक तरह से अच्छा कलेक्शन है, क्योंकि दसरा के सामने हिंदी मार्केट में अजय देवगन की मूवी भोला का कंपटीशन मिल रहा है। लेकिन बात करें मूवी के 5ों भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो दसरा मूवी ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 38 करोड़ का किया था, वहीं दूसरे दिन मूवी का कलेक्शन 15 करोड़ रुपए रहा था, तीसरे दिन वर्ल्ड वाइड कमाए थे 18 करोड़ रुपए, चौथे दिन संडे को मूवी के कलेक्शन में एक बड़ी उछाल आई और मूवी ने अपने चौथे दिन वर्ल्ड वाइड 26 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसी के साथ दसरा मूवी का 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 97 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं बात करें मूवी के 5वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो जिस तरह दसरा मूवी को 5वें दिन तेलुगु स्टेटमेंट में ऑक्यूपेंसी मिली है वो काफी कम है, मतलब कि पिछले दिनों के मुकाबले दसरा की ऑक्यूपेंसी आज काफी कम नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दसरा मूवी आपने 5वें दिन लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ दसरा मूवी का शुरुआती 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 104 करोड़ रुपए का हो रहा है। 5 दिनों में मूवी दुनिया भर से 104 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रही है। इस मूवी का बजट है 65 करोड़ रुपए, उस हिसाब से दसरा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें बॉलीवुड की मूवी भोला के कलेक्शन के बारे में, तो अजय देवगन की मूवी भोला ने भी शुरुआती 4 दिनों के वीकेंड में अच्छी खासी कमाई कर ली है, लेकिन वीकेंड खत्म होने के बाद वीकडेज में मूवी के कलेक्शन में काफी ज्यादा ड्रॉप आया है। भोला मूवी को भी अपने 5वां दिन ड्रॉप का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें मूवी के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 100 करोड़ के बजट में बनी एक्शन ड्रामा मूवी भोला, जिसमें अजय देवगन के साथ तब्बू लीड रोल में नजर आ रही है, ये मूवी रिलीज हुई थी रामनवमी के दिन और मूवी ने अपने पहले ही दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 11 करोड़ 20 लाख रुपए का किया था। वहीं दूसरे दिन मूवी के कलेक्शन में काफी ज्यादा ड्रॉप आया था और मूवी ने दूसरे दिन ऑल नेट कलेक्शन 7 करोड़ 40 लाख रुपए का किया था, लेकिन तीसरे दिन सैटरडे था जिसकी वजह से मूवी के कलेक्शन में फिर से एक बार उछाल आई और भोला ने अपने तीसरे दिन इंडिया में नेट कलेक्शन 12 करोड़ 10 लाख रुपए का किया, लेकिन चौथे दिन संडे होने की वजह से फिल्में ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किए वो काफी कमाल का था। भोला ने अपने चौथे दिन इंडिया में 15 करोड़ रुपए के करीब कलेक्शन किया। इसी के साथ भोला मूवी का शुरुआती 4 दिनों के वीकेंड में ऑल इंडिया से 45 करोड़ 70 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। लेकिन अब बात करें मूवी के 5वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो मंडे आते ही मूवी की ऑक्यूपेंसी में काफी ज्यादा ड्रॉप नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ मूवी की एडवांस बुकिंग भी 5वें दिन कुछ खास नहीं रही है। मूवी के वीकेंड कलेक्शन तो अच्छे थे, लेकिन वीकडेज आते ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमजोर होती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में, तो रिपोर्ट के मुताबिक भोला मूवी अपने 5वें दिन ऑल इंडिया से 4 करोड़ 50 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर रही है और इसी के साथ भोला मूवी का शुरुआती 5 दिनों में ऑल इंडिया से 50 करोड़ 20 लाख रुपए का नेट कलेक्शन हो रहा है। वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 60 करोड़ रुपए के करीब है। अगर बात करें मूवी के ओवरसीज कलेक्शन की, तो 5 दिनों में मूवी का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन है लगभग 14 करोड़ रुपए, जिसके साथ भोला मूवी का शुरुआती 5 दिनों में जो वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 74 करोड़ रुपए का हो रहा है। भोला शुरुआती 5 दिनों में दुनिया भर से ही 74 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जबकि मूवी का बजट है 100 करोड़ रुपए का, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भोला मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए अभी और ज्यादा कमाई करनी होगी। तो अब ये देखना होगा कि भोला मूवी अगले वीकेंड तक बॉक्स ऑफिस पर कैसी कमाई करती है, जिसके बाद पता चलेगा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाती है या नहीं। अगर आपने लोगों ने भोला और दसरा दोनों ही फिल्में देख ली है, तो आपको इसमें से ज्यादा अच्छी कौन सी मूवी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।